Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. भारतीय जूनियर एथलीट रूपल चौधरी ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया। वह वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट्स के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। यहाँ उन्होंने महिलाओं की 2 दौड़ में ब्रांज व सिल्वर मेडल जीता है। उसकी खुशी की जीत में आज उनके शाहपुर जैनपुर गांव में उत्सव का माहौल है। फर्स्ट बाइट टीम ने आज रूपल के परिजनों से बात की। वहां उस वक्त जश्न के माहौल के बीच लड्डू बांटे जा रहे थे। इस मौके पर रूपल के पिता ओमवीर सिंह ने यह कहा। ओमवीर चौधरी, रूपल ने अच्छा किया, मेहनत की, अपना मेडल आया इसके। कितना सहयोग रहा रूपल के साथ आपका, कितनी मेहनत आपने उसके साथ में की है? मेरा सहयोग तो उसके साथ शुरू से ही रहा, 2017 से और आज तक उसके साथ ही, सब जगह रहना जाना, स्टेडियम रोज ले जाना, रोज लाना, दोनों टाइम साथ है। अच्छा, ये बताइए कि आप करते क्या? मैं किसान हूँ। किसान, और एक किसान की बेटी आज अच्छा काम कर रहा है, पूरे भारत को पूरे नहीं कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं? बड़ी खुशी की बात है ये तो, वो उसने देश का मान बढ़ाया, बाहर जाकर देश के लिए मेडल लाई, 2-2 और एक की होर की भी उम्मीद है अभी, जो आने वाले 2 दिन में पूरा हो जाएगा। जबकि रूपल की माता ममता ने यह जानकारी दी। मेरा ममता है। रूपल ने आज रूपल जीते हैं, मंगलवार को एक बार। किस तरीके से लग रहा है गांव में जश्न का माहौल? हां जी, बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है, जश्न का माहौल है, गांव वाले बहुत अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं, उसका उद्घाटन के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं कि मतलब कि हमारी लड़की ने इतना अच्छा नाम करा है, गांव तो गांव बिरादरी का भी नाम हुआ है। गांव से शहर में प्रैक्टिस के लिए आती थी, पर कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी? वो 5 साल से प्रैक्टिस कर रही थी। सुबह इसके पापा लेके जाते थे, फिर दोपहर में आके अपने किसान का काम करते थे, फिर शाम के टाइम लेके जाते थे, और फिर शाम को भी अंधेरा हो जाता था, 8-8:30 बज जाते थे उन्हें आने में, और फिर सुबह की तैयारी पर जुट जाते थे। सुबह शाम उनका यही काम था, संडे की उनकी छुट्टी रहती थी, और दोनों टाइम ये परमानेंट उसे स्टेडियम लेके जाते थे, यहाँ से कैलाश विश्वास स्टेडियम में। रूपल का बड़ा भाई है, छोटी बहन है, ये एक बहन भाई है। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। रेस देखी थी आपने? हाँ, देखी थी, सुबह लाइव पर देखी थी मैंने। इसके बाद कैसा लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, सभी में खुशी की लहर आ रही है, सभी बेटी का नाम ही नाम कर रहे हैं। हाँ, रूपल की फ्रेंड्स हैं ये, इन्होंने भी लाइव देखा है, इन्होंने भी जैसे ऐसे पूछा है, आपस में हमने बात करी है, बहुत खुशी जताई है, हमने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, खुशी मनाई थी हमने। आगे की हाँ पूरी तैयारी है, देखो पूरी कोशिश यही है कि उसका गोल्ड आएगा। बस पूछो मत ना, उसकी तो कोई गिनती नहीं है, माँ को कितना अच्छा फील होना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।